नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और घर पे रह के जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। महामारी बढ़ रही है और बाहर की नेगेटिविटी को बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। एक छोटा सा अपडेट है जो रिसेंटली कुछ 4 से 5 दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसे हम बोलते हैं न्यू एग्रीकल्चर बिल। तो हम ये न्यू एग्रीकल्चर बिल को अपनी सुविधा के लिए 3 भाग में डिवाइड कर ले रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर ले रहे हैं। पहला पार्ट है ए पार्ट, ये पूरी चीज डिबेट में क्यों है। दूसरी चीज है इसका बी पार्ट, इसके सेलिएंट फीचर क्या है। और सी पार्ट जो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है। तो बेसिकली प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अंडर एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर सेट ऑफ रिफॉर्म के तहत 3 बिल पार्लियामेंट में रखी है जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर रहा है। एज यू नो दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज गोइंग विद अ सेट ऑफ ए रिफॉर्म अंडर द आत्मनिर्भर भारत। वर्तमान सरकार एक सेट ऑफ रिफॉर्म कर रही है आत्मनिर्भर भारत के तहत, और इसी के तहत 3 बिल पार्लियामेंट में रखा गए हैं जो बहुत ही ज्यादा विवाद है, पूरे देश भर में विवाद हो रहा है। और रिसेंटली न्यूज ये है कि पंजाब, हरियाणा, कई स्टेट में इसके विवाद हो रहे हैं, कई स्टेट में इसके अगेंस्ट में विरोध हो रहे हैं। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट सेट ऑफ रिफॉर्म कर रही है अंडर द आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें, लॉकडाउन के दौरान ये 3 बिल को ऑर्डिनेंस के रूप में रखा गया था, जो अभी वर्तमान में बिल कहला रहा है, ये ऑर्डिनेंस के रूप में रखा गया था ये 3 चीज को। और जैसे ही लॉकडाउन कंप्लीट हुआ, यानी कि पोस्ट लॉकडाउन टाइम, ये बिल के रूप में रखा गया पार्लियामेंट को। और जैसे कि आप जानते हैं, आपको पता होगा, ऑर्डिनेंस जैसे ही लैप्स होने के पहले ही बिल रखा जाता है और वो एक्ट के रूप में बन जाता है जो कि ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर देगा। अब बेसिकली हमें ये जानना है कि ये 3 बिल कौन से हैं। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, बेसिक सी चीज है, ये 3 बिल कौन से हैं? तो देखिए, एक एक करके समझिए और थोड़ा सा रिमाइंड करके रखिए कि 3 बिल कौन से हैं। तो हम पॉइंट्स में इसको समझने की कोशिश करें। पहला बिल, पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ ए प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। दूसरा बिल आपको याद हो गया होगा, और तीसरा बिल है दी एसेंशियल कम्युनिटी एमिटमेंट बिल। तो तीनों बिल को आप याद रखिए, आप ऐसे याद रखिए, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तो हम पहले बिल के सेलिएंट फीचर देखने की कोशिश करेंगे कि पहले बिल में क्या होता है। देखिए, भारत सरकार बेसिकली, अगर हम समझने की कोशिश करें पहला पॉइंट को, कि फर्स्ट बिल जो है उसके अंदर जो सेलिंग फीचर है उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कर रही है कि पूरे जितना भी एग्रीकल्चर मार्केट है और प्लस सेल्स को ओपन अप कर दे रही है, जिसको हम एक टर्म में बोल रहे हैं ओपनिंग अप एग्रीकल्चर सेल्स एंड मार्केट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते। देखिए, एक्स नाम का कोई किसान है। अच्छा, मैं एग्जाम्पल दूंगा तो मध्य प्रदेश का दूंगा और जबलपुर का दूंगा। एक्स नाम का कोई किसान है जो खमरिया के पास में रहता है, खमरिया में उसकी खेती है। अब उसने अपनी खेती से कुछ प्रोडक्ट निकाले, कमोडिटी निकाली। अब वो सीधे पहुंचा कहां पे? मंडी, जैसे जबलपुर में कृषि उपज मंडी है। और जैसे आपको आपको पता होगा, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी, जिसे हम सरल शब्दों में ऐसा बोलते हैं, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत मंडी गवर्न की जाती है, शासन की जाती है, एक्सटेंड सॉरी गवर्न की जाती है। तो आपको पता होगा कि अब ये जो फार्मर है, किसान है एक्स नाम का, इसका सामना होता है मिडिलमैन से। और इस एक्ट, इस बिल के तहत, जो कुछ ही दिन में एक्ट बन जाएगा अगर सब चीज सही होता है, तो भारत सरकार पहली चीज तो मंडी को ही खत्म कर दे रही है, मंडी एक्ट को। मंडी को नहीं खत्म कर रही है, मंडी एक्ट को, जिसे हम बोलते हैं एपीएमसी एक्ट, इस पूरी चीज को खत्म कर दे रही है। अब देखिए, ये तीनों चार जो पॉइंट्स है एक दूसरे से इंटर एसोसिएटेड है। पहला पॉइंट आप रिमाइंड रखिए,
उसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट से जुड़ा हुआ है तीसरा पॉइंट। तो तीनों को अपन को एक साथ ही देखना है। वैसे मैंने पॉइंट्स में डिसेंट्रलाइज किया बट एक ही है वो पॉइंट। तो देखिए पहला पॉइंट उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया, दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए जब ये किसान को बाध्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि वो जबलपुर मंडी में ही बेचे, अब भारत सरकार ने एक और एक चीज कर दी है, मध्य प्रदेश का किसान का मन करे तो यूपी में जाके अपना सामान बेचे, अपनी कॉमोडिटी बेचे, और यूपी का किसान जाके महाराष्ट्र में अपना कॉमोडिटी बेचे, और महाराष्ट्र का किसान कर्नाटक में, और कर्नाटक का किसान तमिलनाडु में, जिसको हम ऐसे तरीके से समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने एक सिंगल बिल के तहत जो पहले नंबर का हमने देखा था रिमूव कर दी है सारे बैरियर इंटरस्टेट ट्रेड रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर कॉमोडिटी। तो इतनी चीज आपको स्पष्ट हो गई कि ये एक्स नाम का जो किसान है जो खमरिया में रहता है, अब वो मैंडेटरी नहीं है कि वो कृषि उपज मंडी जबलपुर के इसमें ही जाए, वो चाहे तो उत्तर प्रदेश में चले जाए, वो चाहे तो महाराष्ट्र में चले जाए। एक शब्द में आपको मैंने ऐसा बताया कि ये जो एपीएमसी एक्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉमोडिटी, ये पूरी चीज खत्म कर दिया है भारत सरकार ने। अब देखिए एक फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते जा रहा है, वन नेशन वन मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, मगर यहां पे स्टेट जो है वो उंगली कर रहा है। उंगली इस प्रकार की है कि एक स्टेट का बहुत अच्छा साधन है मार्केट, जिसे हम बोलते हैं मंडी। अब स्टेट अपने रेवेन्यू भरता है, इससे उपरोहण करता है, इसी मार्केट से फी लगाता है, सेस लगाता है, जो अभी वर्तमान सरकार ने इस बिल के माध्यम से सारी चीज को प्रोहिबिट कर दिया है, रोक लगा दी है। अब ये एक्स नाम का किसान जो है, पहली चीज तो अनिवार्य नहीं है कि वो कृषि उपज मंडी जाए, और अनिवार्य ये भी नहीं है कि फी दे और सेस दे, और स्टेट का तो यहां से अभी घाटा चालू होने वाला है, क्योंकि एपीएमसी एक्ट जब खत्म हो गया है तो वो किसान जो एक्स नाम का किसान चाहे तो पुणे चले जाए, चाहे तो नागपुर चले जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे एक चीज मैंने आपको बता दिया कि ओपन अप कर दिया है क्या एग्रीकल्चर मार्केट खरीदे के लिए और बेचने के लिए, पूरा मार्केट ओपन अप है। तो इतनी चीज तो मैं आपको समझ आ गए। और तीसरा जो काम किया जा रहा है, एक फ्रेमवर्क को क्रिएट किया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की जाए, जिसे हम बोलते ई नैम, सरल तरीके से हम ऐसा बोल सकते ई नैम। अब हम जल्दी से देख लेते दूसरा एक्ट, जिस हम बोलते हैं फार्मर्स को एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन दे रहा है वो बिल 2020। तो बेसिकली ये इसमें दो से तीन पॉइंट आपको पता होने चाहिए। एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा रहा है ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, और इसमें सेल्स और परचेजिंग फार्म प्रोड्यूस का ये पूरी चीज एग्रीमेंट किया जाएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट रहेगा, प्राइस फ्रेमवर्क और प्रोटेक्शन दिया जाएगा किसानों को। तीसरा एक जो छोटा सा पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट, इसमें पर्ल्स बहुत सारे अलग अलग कॉमोडिटी सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी, अब उसको मुक्त कर दी। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम सप्लाई को तभी रेगुलेट करेंगे अगर देश में वॉर जैसा सिचुएशन रहे, या फिर फेमाइन आ जाए, या फिर कोई नेचुरल कैमिनिटी आए। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन, हमें थोड़ा मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है, तो हमें जानना है क्रिटिसिज्म। अब देखिए आपको इतनी पिक्चर तो क्लियर हो गई है कि जो विरोध हो रहा है वो तीन के बीच में हो रहा है। एक जो टसल चल रहा है सेंट्रल, सेंट्रल बोल रही हम बिल पास करा के रहेंगे, स्टेट बोलता है कि ना 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 ना, ये बिल तो हम पास होने नहीं देंगे, हम इसके अगेंस्ट विरोध करेंगे। और बेचारा यहां पे तीसरा जो स्टेक होल्डर है वो है आपका किसान, चौथा भी स्टेक होल्डर है आप और हम, मगर हम इतना गहराई से नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो तो हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं, तो इतना अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरे मुद्दे को। तो आपको स्टेक होल्डर तो क्लियर हो गया कि एक तो है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा आपका फार्मर्स और एनजीओ, बहुत सारे स्टेक होल्डर आ गया। तो देखिए मुद्दा ये है, एग्रीकल्चर और मार्केट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये पूरा पूरा क्या आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है। इतनी चीज आपको स्पष्ट हो गई
तीन प्रकार के लिस्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाती है, सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल कानून बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। बट यहाँ पे एग्रीकल्चर और मार्केट जो सब्जेक्ट है वो आता है एंट्री नंबर 14 और 28 के तहत, लिस्ट नंबर 2 के तहत। ये पूरा पूरा विषय कैसा है, स्टेट का। अब मुद्दा ये गहराया हुआ है दो स्टेक होल्डर के बीच में, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल और स्टेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट अड़ी हुई है कि हम बिल पास करा के ही रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ये बोलता है कि सब्जेक्ट बहुत क्लियरली डिफाइंड है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मार्केट ये पूरा पूरा स्टेट सब्जेक्ट है, और इसमें जो आत्मा होती है कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म की, वो कहीं ना कहीं डगमगा जा रही है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल को पास कर देता है। और स्टेट का तर्क यह है कि कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म से अगर ये रेगुलेट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं यूनिटरी बन जाएगा और जो सोल कॉम्पोनेंट है कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म का, वो खत्म हो जाएगा। इसके रिप्लाई को काउंटर करने के लिए तुरंत भारत सरकार ये बोलती है, अपना जस्टिफिकेशन ये बोलती है कि हम एग्रीकल्चर कॉमोडिटी को, तो एग्रीकल्चर विषय को तो हम रेगुलेट कर ही नहीं रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रेड की, कॉमोडिटी की और फूड आइटम की, जो हर एक व्यक्ति का हक है, और एट प्रेजेंट ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ये कौन तर्क दे रहा है, ये तर्क दे रहा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके अगेंस्ट में ये जो मैटर इशू हो रहा है कि नहीं ये बिल पास नहीं होने देंगे। आज ही एक ऑपोजिशन लीडर प्रेसिडेंट से भी मिलने गए। तो आपको इतनी पिक्चर क्लियर हो गई, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है। स्टेट गवर्नमेंट सच बोल रही है, एग्रीकल्चर और मार्केट कैसे कैसा है, स्टेट सब्जेक्ट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर 14 एंड 28। कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म का सोल कॉम्पोनेंट के खत्म हो जाएगा अगर ये बिल पास करा देती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन दे रही है ट्रेड और कॉमर्स, फूड आइटम ये प्रेजेंटली कैसा था, कॉन्करेंट लिस्ट। और मैंने आपको अभी बताया कॉन्करेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा रहता है, स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर कानून बनाती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन है। एक शब्द में ऐसा बोला जाए, सेंट्रल ये बोलता है कि एक देश हो सकता है, एक मार्केट क्यों नहीं हो सकता है, एक एमएसपी क्यों नहीं हो सकती है? ये तर्क देता है कौन, स्टेट। अब बेचारा किसान भी कुछ बोल देता है। किसान बोलता है कि ये जो फार्म सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज नेचर होता है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट का रोल यहां पे खत्म हो गया और संसाधनों के अभाव में, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ए रिसोर्सेस, ये जो लड़ाई है बड़े बड़े व्यापारियों के तहत, क्योंकि भारत सरकार मंडी को जो गवर्न करता है एपीएमसी एक्ट को खत्म कर रही है, और वहां पे बड़े बड़े व्यापारी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी जैसे जरूर कूदेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटी, उससे लड़ने के लिए कोई हमारे पास में लीगल फ्रेमवर्क नहीं है और लीगल बैटल हम नहीं लड़ सकते। और किसानों का तर्क यह है कि इसके वजह से कुछ नहीं होगा, कालाबाजारी हो जाएगी, और कालाबाजारी हो जाएगी तो आज जो 10% 20% लॉस झेल रहे हैं, हो सकता है और ज्यादा झेल जाए, उसमें ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी और फंस जाएगा कौन, आम आदमी और किसान। तो ये तर्क दिया जा रहा है दो तीन पक्ष के द्वारा। तो अभी ये एक टसल ऑफ ग्राउंड है, अभी देखना है कि कैसे कैसे सिचुएशन आते हैं, कैसे कैसे एग्रीमेंट आते हैं। तो स्टूडेंट आपको तीन चीजें उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। तो हम देखे रहे थे न्यू एग्रीकल्चर बिल, जो 3 से 4 दिन से बहुत ज्यादा डिबेट में है, एक बर्निंग इशू है। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ये शेयर लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, ये हमारी लाइफ लाइन है।